क्रोध आता है, जिनको क्रोध आता है मन विचलित रहता है, मन में डर रहता है, अविश्वास होता है, एक छोटा सा उपाय बता देता हूं जाते जाते, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देकर आपसे विदाई लेता हूं। अब इतवार के दिन, रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के बीच में अपने घर के मंदिर में लाल वस्त्र आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर जिधर सूरज निकलता उधर मुंह करके बैठ जाना, तांबे की किनारे वाली छोटी कटोरी लेकर उसमें जल भरकर सीधे हाथ में ले लेना और सीधे हाथ के नीचे बायां हाथ उल्टा हाथ लगा देना और आप उस जल की ओर अपनी दृष्टि डालना। अपनी आंखों की नजर दृष्टि किसकी ओर डालोगे? जल की ओर डालना। कहोगे महाराज दृष्टि से क्या होता है? आंखों की दृष्टि से तो पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। कहें है सुना नहीं? हाँ, नजर जिसको कहते हैं, आपकी तरफ कोई आदमी बहुत देर तक देखता रहे, बार बार देखता रहे तो खलबली मचेगी, निगोड़ा क्यों देख रहा है ना धंधिना। आप उस जल की ओर बराबर देखते रहे और जो कब तक देखते रहे? जब तक 24 बार गायत्री मंत्र का जाप न करें। धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलिए, उल्टे हाथ की उंगली से गिनते रहिए, 24 बार हो जाए गायत्री मंत्र। और अगर गायत्री मंत्र भी याद नहीं, हरिओम हरिओम 24 बार बोलिएगा और 24 बार मंत्र पूरा हो जाए तो उस जल में अपने मुख से फूंक मार दीजिए। क्या मारेंगे? जोर से बोलो, फूंक। हाँ, थूक नहीं मारना, कहीं जल्दबाजी में फूंक की जगह थूक चला जाए। आप उस जल को ढक दीजिए। जिसकी बीमारी मिटती नहीं है, जिसका दिमाग कमजोर है, जिसको क्रोध आता है, जिसको मृगी के दौरे आते हैं, जिसकी याददाश्त कमजोर है, जिसका मन विचलित होता है, ऐसे व्यक्ति को ढके हुए इस गायत्री मंत्र से अभिषेक जल को हर रविवार के दिन पिला दीजिए। अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो हर इतवार को बना बना कर आप एक बोतल में भर दीजिए, इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए, जब बच्चे आए तो उसको दे दीजिए। जहां भी वो पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, जहां पर रहता है, उस जल को पिए, गायत्री मंत्र से अभिषिक्त जल को पान करना चाहिए।